भारत की 17वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए 2019 आम चुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नतीजा 23 मई को आए लोकसभा चुनाव रिजल्ट में 542 सीटों में 76 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। इस लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिलाओं में 25 और 26 साल की लड़कियां भी शामिल हैं। साथ ही अभिनय जगत व दूसरी पृष्ठभूमि से आने वाली ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। मीमी चक्रवर्ती। अभिनेत्री मीमी चक्रवर्ती की जमकर चर्चा रही। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से चुनाव लड़ रही इस 30 साल की अभिनेत्री को इस बार की सबसे खूबसूरत उम्मीदवार बताया गया। बाद में उन्होंने चुनाव जीत लिया तो उन्हें खूबसूरत सांसद बताया जा रहा है। नुसरत जहां। इस मामले में टीएमसी की ही दूसरी सांसद नुसरत जहां की चर्चा जोरों पर है। नुसरत भी फिल्म जगत से आई है। नुसरत की उम्र 28 साल है। नुसरत ने पश्चिम बंगाल की बसीरहाट से चुनाव जीता है। बीते कुछ दिनों सोशल मीडिया में इन दोनों अभिनेत्रियों की जमकर चर्चा हुई थी। महुआ मोइत्रा। टीएमसी की ही महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव जीती हैं। इनकी उम्र 44 साल है। नवनीत कौर राणा। निर्दलीय चुनाव जीतकर आने वाली नवनीत कौर राणा भी बेहद खास हैं। उन्होंने न केवल निर्दलीय होने के बावजूद महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर जीत दर्ज की बल्कि शिवसेना के उम्मीदवार अदसूल अन्नानदारो विथोवा को हराया और कांग्रेस से सपोर्ट भी हासिल कर लिया। वे पहले ही अभिनय जगत में सक्रिय थीं। उनकी उम्र 33 साल है। रीति पाठक। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाली रीति पाठक भी इस सदन की खूबसूरत महिला सांसदों में एक होगी। इनकी उम्र 41 साल है। रीति ने एमपी की सीधी सीट से चुनाव जीता है। हिमाद्री सिंह। बीजेपी की एमपी से ही विपक्ष को पस्त करने वाली सांसद हिमाद्री सिंह की अलग पहचान है। एमपी की शहडोल सीट से फतह हासिल करने वाली हिमाद्री 32 साल की हैं। उनके पिता 3 बार विधायक और उनकी मां 3 बार सांसद और 1 बार विधायक भी रह चुकी हैं। उनके पिता का नाम दलवीर सिंह और माता का नाम राजेश नंदनी सिंह है। प्रीतम मुंडे। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की मुख्य धारा की राजनीति में यदा कदा चर्चा रहती हैं। लेकिन मुंडे की दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे बिना शोरगुल किए अपना काम करती जा रही हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की बीड सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी उम्र 36 साल की है। रक्षा खड़से। रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र की रावेर सीट पर जीत दर्ज की है। इनकी उम्र 31 साल है। उन्होंने बीजेपी की सीट पर चुनाव जीता है। पूनम मादम। बीजेपी की ही नवनिर्वाचित सांसद पूनम मादम इस लिस्ट की अगली नाम है। उन्होंने गुजरात की जामनगर सीट से जीत दर्ज की है। उनकी उम्र 44 साल है। दिया कुमारी। राजस्थान की राजसमंद सीट जीतने वाली राजघराने से आने वाली दिया कुमारी भी हैं। उनकी उम्र 48 साल है। यह बीजेपी की दिग्गज महिला नेताओं में से एक हैं। रम्या हरिदास। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद रम्या हरिदास भी हैं। उन्होंने केरल की अलाथूर सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी उम्र 32 साल है।